लवर्स, स्वीट एंड सॉर किचन में आपका स्वागत है। मैं सुमन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्वीट डिश, क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है, रंग बिरंगे त्योहार है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त, तो क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए, और वो भी ट्रेडिशनल मीठा। तो आज हम बना रहे हैं घेवर, मलाई घेवर, रबड़ी घेवर, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, और आज हम उसे बनाएंगे बिना मोल्ड के और बहुत ही आसान तरीके से। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो लेट्स गो स्टार्ट। घेवर के लिए पहले हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध, दूध की कंसिस्टेंसी हाफ रह जाए तब तक हम इसको उबालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हम चलाते रहेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने लिए ये 1 बाउल चीनी, लगभग ये 200 ग्राम चीनी है, और 1/2 बाउल पानी, जितनी चीनी है उसका आधा पानी। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और चीनी घुलने तक हम इसको चलाते रहेंगे। हम चाशनी और रबड़ी एक साथ बना रहे हैं, इससे क्या है कि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा और जल्दी से हमारा घेवर भी तैयार होगा। चीनी घुल चुकी है, अब हम इसमें हरी इलायची ऐड कर देते हैं। 4 हमने इसमें हरी इलायची डाली है क्रश करके। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं, हल्का सा इसमें इस तरीके से हल्का सा तार आना चाहिए। चाशनी हमारी तैयार है, अब इसमें हम थोड़ा सा 4-5 बूंद नींबू का रस डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि चाशनी हमारी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, और फ्लेम बंद कर देते हैं। चाशनी को हमने 4 या 5 मिनट ही कुक किया है, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़ा डाल सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। दूध की कंसिस्टेंसी आधी हो गई है, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। हमने लिए ये 4 चम्मच चीनी। साइड में जो ये दूध इकट्ठा होने लगता है इसको साथ के साथ इसमें मिक्स करते रहे निकाल कर इस तरीके से। रबड़ी हमारी तैयार है, हमें इस कंसिस्टेंसी की रबड़ी रखनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें अभी थोड़ी सी थिकनेस और आएगी। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। घेवर बनाने के लिए अब हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लिया है हमने ये घी, जितना मैदा है उसका हम 1/4 घी ले रहे हैं। तो 1 बाउल हमारा मैदा है, तो 1/4 हमने ये घी लिया है। इसे हम बहुत इजी प्रोसीजर से बना रहे हैं, तो आज हम इसमें मिक्सी का यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसमें घी डाल देते हैं। घी के साथ ही हम ये इसमें 4-5 आइस क्यूब डाल रहे हैं। इसे हम फैट लेते हैं। घी एकदम से ये हार्ड हो गया है, हमें ऐसा ही इसके लिए घी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के फैट लेंगे, और ये आइसक्रीम इसकी हम निकाल देते हैं। अभी हम इसमें 1/2 गिलास दूध डाल रहे हैं। घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम और मैदा डाल के मिक्स करेंगे, दूध भी डाल देंगे।
पानी ऐड करके अब हम इसमें ये मैदा भी ऐड कर देते हैं। पानी और दूध इसमें एकदम ठंडा लेना है हमें, एकदम चिल्ड। और हम इसमें एक चम्मच बेसन ऐड कर रहे हैं। बेसन से घेवर में बहुत ही अच्छा करारापन आ जाता है। बैटर तैयार है बट अभी थोड़ा हमें ये थिक लग रहा है तो इसमें अभी हम पानी ऐड और करेंगे। हमें बिल्कुल ये रनिंग कंसिस्टेंसी का चाहिए। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसमें एक चम्मच नींबू का रस ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको हमें गर्म नहीं होने देना है, इसको बैटर को हमें ठंडा ही रखना है। यदि आपको थोड़ा भी टाइम लगे तो इसको फ्रीजर में रख दें। बैटर को इस तरीके से चेक कर लें, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और इस तरीके से देखिए, एक लेयर इस तरीके से बन जानी चाहिए चम्मच पर। जब हम बैटर तैयार कर रहे हैं तभी घी गर्म करने भी रख दें, हमने घी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। बैटर गर्म ना हो इसलिए हमने एक बाउल में ये आइस क्यूब डाल के रखे हुए हैं, इसके ऊपर हम इस बाउल को रख देंगे। या हम इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज करते रहेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। हमने इसको तैयार करने में इस मेजरमेंट से एक कप दूध डाला है क्योंकि इसी से हमने एक कप मैदा लिया था और तीन कप पानी। घेवर इजीली बने इसके लिए हम ये सॉस बोतल का यूज कर रहे हैं। आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक बोतल या प्लास्टिक की बोतल का यूज कर सकते हैं, उसके ढक्कन पे आप बीच में एक छोटा सा होल कर लें। मैं इस सॉस बोतल का यूज कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा बैटर फिल कर लेंगे। हम भगोने में जो आज घेवर बना रहे हैं तो इसके लिए हमने ये भगोना लिया हुआ है। भगोने का साइज थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और इसमें जो हम घी गर्म करेंगे वो आधे से कम हमें रखना है ताकि जब हम इसमें बैटर डालें तो वो उछल के बाहर ना आए। तेल हमें अच्छा गर्म रखना है बट ये ध्यान रखें कि तेल में से धुआं ना निकले और फ्लेम हमें हाई रखनी है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। एक साथ बैटर को नहीं डालना है अदरवाइज तो ये पूरा ऑयल बाहर निकल के आ जाएगा। बहुत सावधानी से इस काम को करें और बहुत पेशेंस के साथ। तीन चार बार थोड़ा थोड़ा डालने के बाद हम सेंटर में थोड़ी जगह बना लेंगे और हम बैटर को सेंटर में ही डालते रहेंगे और थोड़ा ऊंचाई से डालेंगे। जब झाग नीचे आने लगे तो बीच में जगह बनाकर इसमें हम बैटर डालें और लगभग 8 से 10 सेकंड के बाद हम इसमें बैटर डालें और इसी तरीके से लगभग 8 से 10 बार हम इसमें बैटर डालेंगे। किनारे गोल्डन होने लगे हैं, अब हम इनको किसी भी चीज की हेल्प से थोड़ा सा हटा देंगे और नीचे की तरफ पुश करेंगे ताकि बीच में से भी अच्छे से सिक जाए।
इसमें जो जाली बनती है वो बैटर की वजह से बनती है, क्योंकि बैटर का टेम्परेचर लो होता है और ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है। जब इसमें हम कोई ठंडी चीज डालेंगे तो वो बबल्स बन के ऊपर आएगी, तो वो एकदम से जाली की तरह बन जाएगी। ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से एक प्लेट में कटोरी रख लें, उसके ऊपर हम इसको निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए बहुत आराम से, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठंडा होने के बाद ये एकदम करारा हो जाएगा। नेक्स्ट पीस बनाने के लिए हमें ऑयल का टेम्परेचर उतना ही हाई रखना है ताकि जब भी हम इसमें बैटर डालें तो अच्छे से इसमें बबल्स बने, बट ध्यान रखें कि वो बबल्स बाहर नहीं आने चाहिए। अब मैं आपको इसकी हेल्प से बनाकर दिखाती हूँ। उसी प्रोसीजर से बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में जगह बना लेंगे। और सेंटर में ही हम बैटर को डालेंगे, ऊंचाई से बैटर ऊंचाई से ही डालना। इसको हम दूसरी प्लेट में रख देते हैं, इसमें से सारा ऑयल निकल चुका है। ये गीवर भी अब हमारा तैयार है, इसे भी अब हम निकाल लेंगे। हमारे सारे गीवर बनके तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से हनीकॉम टेक्सचर भी आया है। बस दो तीन चीजों का इनमें ध्यान रखना होता है कि एक तो आप जब बैटर बना रहे हैं तो दूध और पानी दोनों ही एकदम ठंडा होना चाहिए और बैटर हमारा एकदम पतला होना चाहिए, और यदि वो गर्म होता है तो आप उसको फिर से फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए, या उसको एक आइस क्यूब के बाउल में रखें। और जब भी बैटर आप ऑयल में डाल रहे हैं तो शुरू में थोड़ा थोड़ा ही डालें ताकि ऑयल बाहर निकल के ना आए। बस ये थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी होती है, और घर में घेवर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत से हमारे कितने अच्छे घेवर बने हैं। रबड़ी और चाशनी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। जब घेवर ठंडा हो जाए तब इस पर हम चाशनी लगाएंगे, और चाशनी लगा के भी फिर थोड़ी देर हम इनको रख देते हैं, और रबड़ी तब लगाएंगे जब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो अभी हम चाशनी लगाते हैं क्योंकि घेवर हमारे एकदम ठंडे हो चुके हैं, अब हम इस पर चाशनी लगाएंगे। इसके लिए हमने ये कटोरी रख ली है ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी। चाशनी थोड़ी थोड़ी ही लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। सभी पीसेस पे हम इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चाशनी लगा लेंगे। अब इस पर रबड़ी लगा लेते हैं। रबड़ी तभी लगानी है जब इसको सर्व करें, और रबड़ी भी हम थोड़ी थोड़ी लगाएंगे। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। मैं इस पर थोड़ी सी केसर भी लगा रही हूँ। घेवर हमारा बिल्कुल तैयार है, मैं इसे सर्व कर रही हूँ। रेडी टू ईट।